अज्ञात पल्सर सवारों ने एक युवक को गोली मार दी। जैसे ही गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, प्राथमिक उपचार के दौरान हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी राजघाट के स्थानीय कस्बा में दो पल्सर सवार अज्ञात युवकों ने बंदपुरा निवासी दीपक यादव पुत्र लाल सिंह यादव 24 वर्षीय व्यक्ति को तमंचे से गोली मार दी, जिससे गंभीर हालत में उसके भाई इंदर सिंह यादव ने गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर चैतन्य राज ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यह भी बताया गया है कि घायल दीपक यादव अपने भाई इंदर यादव के साथ बांध पर घूमने के लिए आया था, तभी दो अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी। गोली मारने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो सका। समाचार लिखे जाने तक न तो किसी ने तहरीर दी और न ही मामला दर्ज किया गया था। अभी जो पेशेंट आया था गोली लगना बताया गया है, क्या उसकी कंडीशन है, क्या ये पेशेंट? तो दीपक यादव 24 साल का पेशेंट राजघाट से आया था, जिसको फेस पे गोली लगी थी ऐसा बताया गया था। उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी और कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसको झांसी रेफर कर दिया गया। भैया क्या नाम है, क्या घटना है? सर हमारा नाम इंदर यादव है। जी सर हमारा नाम इंदर यादव है। जी हमारा सर भाई है। जी ठीक है। तो सर वहाँ पे मतलब कि हम लोग सर बैठे हुए थे, तो सर दो जन आए सर, उन लोगों ने फायरिंग की, तो सर हमारे भैया को सर वो नहीं, दोनों को आपने देखा नहीं है कि उनकी बाइक नंबर क्या थी? बाइक उनकी बाइक सर पल्सर थी, बिना नंबर की थी। कहाँ से आया, कोई पहचानते? कोई सर बिल्कुल नहीं पहचानते सर। ये मामला कहाँ का है सर? ब्लैक शर्ट पहने हुए थे। ये कहाँ का मामला? राजघाट का सर। राजघाट में आप लोग क्या कर रहे थे? सर राजघाट में सर वहाँ पे मतलब भैया के पास गए थे, वहीं पे घूमने। अच्छा आप लोग घूमने गए थे सर? राजघाट क्षेत्र थाना कोतवाली अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली लगने की बात प्रकाश में आई है। मौके पे हम लोग हैं और इसकी पूरी गहनता से छानबीन कर रहे हैं। वैधानिक कार्रवाई हम लोग इसमें कर रहे हैं।